हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और यहाँ मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ चाउमीन बच्चों के लिए। आज बच्चों को चाउमीन खानी है, तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ये पानी गर्म हो जाएगा तो मैं चाउमीन को उबाल लूँगी। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, प्याज, हरी मिर्च ये सब काट के और थोड़ा कढ़ाई में तेल डाल के ये सारी सब्जियाँ डाल दी। इसमें मैंने काली मिर्ची पाउडर डाल दिया और नमक डाल दिया है। तो इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी जिससे ये थोड़ी हल्की सी पक जाए। और पक जाएगी वैसे ही इसमें मैं ये चाउमीन मैंने जो उबाली थी इनमें अच्छा सा मैंने धो लिया है ठंडे पानी से बिल्कुल। और इसमें मैं थोड़ा सा हाथों में रिफाइंड या कुछ भी ऑयल लेके हाथों में इनको थोड़ा सा चिकना कर देते हैं, तो ये क्या है चिपकती नहीं है, इस तरीके से एक एक करके गिरने लगती हैं। और वहाँ सब्जी जो मैंने छौंकी है यही पत्ता गोभी वगैरह, तो यहाँ मैं इसको चेक कर लेती हूँ तो वो हो चुकी है अब इसमें। तो इसमें मैं थोड़ा कलर के लिए सोया सॉस डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करके, और इसमें जो मैंने चाउमीन उबाल के धो के रखी हैं वो मैं इसमें डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ चाउमीन बन जाएंगी और जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ये, तो उसमें मैं फिर टमाटो केचप वो डाल दूँगी और फिर और अच्छे से इनको मिला के और थोड़ा गर्म करके। तो यहाँ चाउमीन देखिए बनके तैयार हो रही है। इनको अच्छे से पलटे की सहायता से सारा अच्छे से मिला लेते हैं मसाले को। पूजा है आज महालक्ष्मी, तो यहाँ देखिए सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। यहाँ सब घी दी का दिया है, धूप है, कलावा है और जो बनते हैं हाथी पे चढ़ने के लिए वो सब है। तो यहाँ देखिए पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज है महालक्ष्मी की पूजा, तो आप बताइए मैं कहाँ आई हूँ। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ, तो ये है टिमटिम। मैं आज टिमटिम के यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं यहीं आ गई थी, मैंने कहा अकेले पूजा करूँगी तो चलो दीदी के संग जाके वहीं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ दीदी के यहाँ आ चुकी हूँ। तो मैंने घर पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कहा आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी वहीं जाके। तो आज माँ लक्ष्मी की पूजा है जो श्राद्धों में ना अष्टमी को पड़ती है, जिसे हाथी पूजा भी बोलते हैं, तो वही है। आज हम लोगों का फास्ट है तो अभी हम पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने साड़ी पहनी है ये वाली, और टिमटिम है, टिमटिम ने सूट पहना है आज। तो आप लोग टिमटिम से मिल लीजिए, आज टिमटिम ने पहना है सूट। और देखिए अब ये बताइए, आपको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हाय गाइस, फोन पर इतनी बातें करती है मगर आज नहीं बोल रही है कैमरे के सामने। आज मैं लक्ष्मी पूजा करने जा रही हूँ। अभी इसे शर्म आ रही है, बोल नहीं पा रही है। तो चलिए और दीदी से आप लोग मिल लीजिए एक मिनट। आज हम लोगों ने पता है पीली साड़ी पहनी है क्योंकि आज है गुरुवार, इसलिए। देखिए हमने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, अब हम पूजा करने ही बैठ रहे हैं। टिमटिम देखो आज हमारी संग में लगी है बिल्कुल, उसने पता है अभी तक खाना भी नहीं खाया है, कह रही है मैं पहले पूजा करूंगी आप लोगों के संग फिर खाना खाऊंगी। अभी नहीं बेटा, अभी पूजा होगी ना उसके बाद चढ़ाएंगे ना। मैं आपको कैसी लगती हूं, मेरी मौसी की चैनल पे बताइए बताना, और मैं अच्छी लगती हूं तो मौसी के चैनल पे लाइक कर देना। हाथी करने की पूजा करेंगे और आज मेरी मौसी आई है और मेरी मौसी और मेरी मम्मी ने
साड़ी पहनी है और मैंने सूट पहना है। देखो देखो देखो, मैंने हार पहना है और मैंने चुटकी लगाई है, बिंदी लगाई है और आबरो बनाई है। आप तो यहाँ हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ हम हाथी हैं, उनके ना रोड़ी चावल हल्दी ये सब लगाएंगे। तो यहाँ दीदी लगा रही हैं, फिर मैं भी लगाऊंगी और साथ में टिमटिम भी लगा रही है, कह रही है मैं भी करूंगी। जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वो भी वैसे ही कर रही है बिल्कुल। तो यहाँ बस उनके हल्दी कुमकुम वगैरह जो भी है वो सब लगा देंगे और धूप चढ़ाएँगे उनको। और उसके बाद जो कलावा है उसमें 16-16 गांठ लगा के और उसे उल्टे हाथ में पहनते हैं। तो वहीं यहाँ सब कुछ हो रहा है और टिमटिम देखिए कैसे सिर ढक के बैठी हैं और जैसे हम पूजा कर रहे हैं सेम वैसे ही वो भी लगी हैं संग में। तो यहाँ जो धूप होती है वो धूप चढ़ाई जाती है। तो यहाँ बस हम लोग वह धूप चढ़ा रहे हैं। धूप चढ़ाने के बाद जो हमने बनाए थे वो चढ़ा देंगे और यहाँ दीदी वो कलावे में 16 गांठें लगा रही हैं। तो ये हम दीदी पहनेंगी उल्टे हाथ में और मैं भी पहनूंगी उल्टे हाथ में। तो यहाँ देखिए टिमटिम को कैसे सिर पर दुपट्टा रख के बैठी है और आप लोगों की तरफ देख रही है एक आँख से। टिमटिम कह रही है मेरा पल्लू गिर जाता है, तो कह रही है पल्लू रख लो अपना सिर पे, इनका पल्लू नहीं उतर रहा है। अब मटकती रहेंगी ऐसे ही, यानी कहाँ जा रही है, नमस्ते कर रही है। पर हाथ में ना हथेली में 16 चावल गिन के निकाल लेते हैं, टूटे नहीं होने चाहिए वो। और वो बस बोलते चलते हैं और माँ लक्ष्मी को चढ़ाते चलते हैं एक एक चावल। तो आप लोग भी सुन लीजिए। जल्दी रानी बम्बन बरुआ कहे कहानी, सुनो माँ लक्ष्मी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल के एक कहानी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। तो यहाँ बस हमने वो 16 चावल छिड़कने के बाद यहाँ कलावे में जो 16 गांठ लगाई थी उनको अच्छी से धूप बत्ती करने के बाद दीदी मेरे बांध देंगी और मैं दीदी के बांध दूंगी ये कलावा। तो बस यहाँ कलावा बांधने के बाद हम लोग आरती कर लेंगे तो हमारी पूजा हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए टिमटिम संग में लगी है, यहाँ आरती कर रहे हैं हम लोग लक्ष्मी जी की। तो यहाँ हमने खाना खा लिया है, पूजा भी हो चुकी है। मैं खा रहा हूँ थोड़ा सा। और टिमटिम अभी खा रही है। अरे वो मिठाई है, मुझे भूख लगी थी ना, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, उसे अच्छी लगती है ये। तो बस अब हम तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी थी पीली और दीदी ने भी ये पीली साड़ी पहनी है। लाइट की वजह से थोड़ा रोशनी ज्यादा आ रही है, उसकी वजह से सही नहीं दिख रही। अब थोड़ा सही लगा ना, दीदी का घर फैला हुआ है ये, उस वाले में बहुत ज्यादा धूप आ रही थी तो हमने कहा इस वाले रूम में चलते हैं। तो दीदी की ये वाली साड़ी है और मैंने ये वाली पहनी है। कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना, और टिमटिम और दीदी कैसी लग रही है। तो यहाँ बस सब कपड़े चेंज कर ले, बहुत गर्मी है, खाना खा लिया हम लोगों ने, खाना बहुत टेस्टी बना था। तो अभी मैं रुकूंगी, शाम तक जाऊंगी और आज मुझे अपने सूट भी डालने हैं थोड़े फिटिंग के लिए। और दीदी ने भी ऑनलाइन एक कुर्ती मंगाई है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी फ्रॉक वाली, मैं उसी स्टाइल में मैं भी एक बनवाने वाली हूँ। और टिमटिम तो हमारी आज खाने में लगी है। आज टिमटिम ने सूट पहना था, आप लोगों ने देखा ना, दिखा रही है।
8:15 निकलते निकलते टाइम भी हो गया, फिर हम लोग वहाँ टेलर के चले गए क्योंकि मुझे अपनी सूटों की फिटिंग करानी थी, वो डालनी थी और एक सूट भी डालना था सिलने के लिए, तो और एक सूट मुझे और डालना था तो वो नहीं डल पाया, तो वो मैं गुरुवार को शायद देखो फिर जाऊँगी तब डलेगा वो। और हो गई पूजा, आ गई मैं, थक गए आके, बस मैं नहा ली हूँ, नहा के और मैंने दाल बनने रख दी है, दाल चावल बना रही हूँ बस, ये आ चुकी थी, मैं आई तो ये घर पे मिले मुझे आग, तो अब दाल चावल बनने हैं, दाल चावल के बाद बस चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी। वैसे तो मैं चाय पी के आई हूँ मगर इनको देना है तो ये कह रहे हैं कि अभी रहने दो थोड़ी देर से, बनाना आप खाना खा लो। और अपनी थ्रेडिंग भी करवाई थी, थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी, तो वो दीदी की ननद लगती है तो वो पास में ही रहती हैं, तो वो आई हुई थी तो मैंने कहा मेरी आईब्रो भी बना दो आप, तो मैं उनसे आईब्रो भी अपनी सेट करवाई। वैसे तो अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं थी मगर हल्की हल्की मैंने सेट करवा ली, आप करवा चौथ तक बनवाएंगे। थक गए आज, आंखों में से पता है आग सी निकल रही है, दवाई दे तो दिए दीदी ने मुझे, क्योंकि एक तो मैं धूप में गई थी ना उसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। तो दाल बन रही है, चावल बनने रख देती हूँ, थोड़ी सी रोटियाँ डालनी है गौतम के लिए और इनके पापा के लिए और कुछ नहीं, मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी, इच्छा नहीं कि 3 बजे तो खाना ही खाया था, तो चलिए हैं 3 बजे खाया था हम लोग, पूजा करके फ्री हुए फिर 3 बजे खाना खाया। तो चलिए यहाँ पर मैं पूजा करने आई थी ऊपर दिया बाती करने, तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।